आज श्री काली देवी मंदिर शास्त्री नगर में 53वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा मंदिर में 53 कन्याओं का पूजन किया और उन्हें पाठ्य सामग्री का वितरण किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर इस तरह के कार्यक्रम को आगे भी करते रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मुन्ना चौहान, अंकुर मिश्रा, संतोष गहमरी, मनोज श्रीवास्तव, श्रीकांत मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। माँ भगवती के द्वार पर कृष्ण कुमार सिंह मुन्ना जी के योजना के अंतर्गत सभी उपस्थित लोगों ने सहयोग करके कन्याओं का पैर पूजन किया है, उनका पैर धोन किया है, उसका तिलक लगा के पूजन किया है और कन्याओं को शिक्षण सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम रखा है। तकरीबन कितनी कन्याओं को आज? 53 कन्याएं हैं यहाँ पर, इनको की शिक्षण सामग्री वितरित किया जाएगा और बच्चों को कुछ उनके ज्ञानवर्धन के लिए भी उनको बताया जाएगा। एक नितांत ही उत्तम और यूनिक कार्यक्रम है और वास्तव में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं लेकिन समाज में कन्याओं का सम्मान देना यह कहने की बात तो होती है, लेकिन कृष्ण कुमार सिंह और मुन्ना जी ने इस कार्यक्रम को योजना बना करके करने का जो ये आज संकल्प लिया है, ये संकल्प तो पूर्ण हो ही रहा है, साथ ही साथ समाज को एक प्रेरणा भी मिले कि कन्याओं का केवल कहने से सम्मान नहीं, वास्तव में उनका सम्मान हो, वास्तव में उनका सहयोग हो और उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको प्रेरित किया जाए कि वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करके और समाज में एक अच्छे नागरिक बने। सराहनीय काम ये है, शास्त्री नगर में माँ काली का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, यहाँ के समाज सेवी मुन्ना चौहान द्वारा और सबका सहयोग और माँ काली का ये सुंदर दरबार जो सजा है और जो कन्याओं का जो सम्मान करके पैर धो के किया जा रहा है, ये माता रानी के लिए और हम सब के लिए, सब भक्तों के लिए आशीर्वाद है, प्यार है और इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। मुन्ना चौहान जी को हमने एक विचार बनाया अपने सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, कन्याओं का पाठ्य सामग्री वितरण किया जाए, उसी के लिए पूजन पाठन करके। कितने वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं? ये पहला वर्ष है इस तरीके के कार्यक्रम का, यहाँ पे काली मैया दरबार में पहला वर्ष है, आगे रहेगा इसके तो अच्छा सा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा।